अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 9। टुडे वी विल लर्न अबाउट मेकिंग 10। ठीक है, मेकिंग 10 क्या होता है? 10 बनाना है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस में हम उसको एडिशन से बनाएंगे, कुछ को सब्ट्रैक्शन में बनाएंगे। ठीक है, तो एडिशन में क्या होता है? टू नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि टू नंबर्स को ऐड करना क्या होता है? एडिशन होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ टू और मोर नंबर्स और अमाउंट्स। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ऐड द फॉलोइंग, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 9। तो हमने क्या करना है? सिंपल इसको ऐड कर देना है। ठीक है, 1 में 9 को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 1, और यहाँ पे 9 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आंसर आया हमारे पास? 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 + 8, तो 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नेक्स्ट 8 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 10। नेक्स्ट हमने 6 में 4 को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐड कर लेते हैं। ये तो सिंपल सा था ना, हमें दो नंबर्स गिवन थे उनको हमने ऐड किया और हमारे पास 10 बन गया है। लेकिन यहाँ हमने बताना है इन क्वेश्चंस में पार्ट बी डी एफ में कि हम कौन से दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा। देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 में हम क्या ऐड करेंगे। ठीक है, 10 में हम क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। तो 10 में अगर देखिए हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा ना, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में हम क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम देखिए 10 में 0 ऐड करेंगे तो ये 10 एज इट इज़ ही रहेगा। 0 + 0 0 और 1 + 0 1, तो 10 एज इट इज़ है ना, तो इसलिए हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? 0। नेक्स्ट देखिए, 6 में हम क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। तो हम क्या करते हैं? 6 से आगे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, द डॉट ड्रॉ कर लेते हैं। 6 7 8 9 10, 10 बन गया ना हमारे पास। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने डॉट्स हैं, मीन्स हम कितने और ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा। सो 1 2 3 4, इट्स मीन हम 6 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट एफ देखिए। पार्ट एफ में देखिए हमने बताना है कि हम 3 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। 3 से फॉरवर्ड हम काउंट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इट्स मीन 7 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल प्लस के हैं। ठीक है, 9 + 1 है, तो 9 में आपने 1 यहाँ पे देखिए ऐड किया था तो हमारे पास क्या आंसर आया है? 10। 6 में 4 को भी हमने ऐड किया है यहाँ, तो क्या आंसर आया है? 10। 3 में 7 को भी ऐड कर लिया हमने, 8 में 2 को भी ऐड कर लिया। ठीक है, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट आई। 5 में 5 को ऐड करना है तो हम 5 डॉट्स लगा लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आंसर आया हमारे पास? 10। ठीक है, अब हम मेकिंग 10 को ही 10 ही हमने बनाना है, लेकिन हमने क्या करना है? टेक अवे। टेक अवे मीन जो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वन नंबर्स और अमाउंट अवे फ्रॉम अनदर, इसको क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नंबर को। तो देखिए, इसमें 10 में से आपने 2 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से 2 को हम कट कर लेते हैं, 2 लाइंस को, 1 एंड 2। अब हम देखते हैं हमारे पास कितनी रिमेनिंग लाइंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इट्स मीन 10 - 2 = 8। नेक्स्ट देखिए, 10 में से हमने 6 को माइनस करना है। अब हम 10 लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है, 6। सो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस कट कर ली। पीछे देखें हमारे पास रिमेनिंग कितनी है, 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4। अब हमने देखिए इन क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में तो हमें गिवन था ना कि आपने सिंपल इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है, जो आ जाएगा वो आपने लिख देना है, लेकिन नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 में से, हमने बताना है कि हम 10 में से क्या माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। उन्होंने हमें कहा है 6 आंसर आया, अब हम 10 में से किस नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। हम सिंपल क्या करते हैं, हम जो 10 में 10 है, 10 से हम जो हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, या तो इसको माइनस कर लेते हैं या हम 6 से फॉरवर्ड 10 तक काउंट कर लेते हैं। वो 6 से फॉरवर्ड काउंट करते हैं, देखिए 6 7 8 9 10, इट्स मीन 6 में से हम 10 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी में आते हैं, देखिए 10 में से हमने बताना है कि हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 से फॉरवर्ड 10 तक काउंट कर लेते हैं, 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कि हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 5, इट्स मीन 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5। नेक्स्ट पार्ट डी देखिए, 10 में से 7 माइनस करने हैं तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट एफ देख लीजिए, पार्ट एफ तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको भी सिंपल, आपने क्या करना है, 10 है, 10 में से आपने कौन सा नंबर माइनस किया जो आपके पास 9 आएगा, तो आप क्या करेंगे, 9 से फॉरवर्ड 10 तक काउंट कर लेंगे, 9 10, इट्स मीन ये कितने डॉट है, 1 डॉट है, तो इट्स मीन 1 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। पार्ट जी में आती है, देखिए ऊपर हमने किया था 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आया, तो अब 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइन जाएगी हमारे पास, 1 एंड 2, तो 2 राइट कर लिया। ये देखिए सिंपल, हमने 10 में से 1 माइनस किया हमारे पास 9 आया, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, 10 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास 3 आया, अब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब 10 में से 10 माइनस हो रहा है, देखिए अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, आपने 10 के 10 ही खर्च कर दिए तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द नंबर्स इन द ग्रिड, सम पेयर्स ऑफ नंबर्स एड अप टू 10, फाइंड देम एंड कलर देम, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई से भी 2 नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करना है, ऐड करके अगर वो 10 बन रहे हैं, ठीक है, वो 2 नंबर्स लेने हैं जो ऐड होके 10 बनाएं, उनको आपने कलर्स करना है, ठीक है। देखिए जैसे 9 प्लस 1, 9 में 1 ऐड करें तो 10 बनता है, 6 में 4 ऐड करें तो 10 बनता है, 8 में 2 ऐड करें तो 10 बनता है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, इट्स योर होमवर्क। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, डू यू रिमेंबर बिग एंड स्मॉल इन ईच पेयर कलर, द स्मॉलर वन ब्लू एंड द बिगर वन रेड। आपको पता है बिग और स्मॉल क्या होता है, जो छोटी चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, स्मॉल, और जो बड़ी चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, बिग, ठीक है। तो आपने बताया जो आपके पास बिग होगा मींस बड़ा होगा, ठीक है, उसमें आपने कौन सा कलर करना है, रेड, और जो आपके पास स्मॉल होगा, छोटी चीज़ होगी, उसमें आपने क्या करना है, ब्लू कलर करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन में हमारे पास ये बकेट से हमें दी गई है, इसमें देखिए जो हमारे पास ये गिवन है, इसमें देखें ये हमारे पास बड़ी है ना, ये क्या है, स्मॉल है या बिग है, बिगर है ना, तो हम इसमें कौन से कलर करेंगे, रेड। नेक्स्ट में देखिए ये हमारे पास कौन सी है, ब्लू है ना, तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, स्मॉल है ना, तो इसमें ब्लू कलर। नेक्स्ट में देखिए इन दोनों टेबल्स में से, स्मॉल टेबल में ब्लू, बिग टेबल में रेड, स्मॉल पांडा में ब्लू, बिग पांडा में रेड, स्मॉल बिग बॉटल में रेड, स्मॉल बॉटल में ब्लू, ठीक है। सेम ऐसे फिश और बस में भी किया है हमने। नेक्स्ट देखिए, पहले तो आप सिर्फ कलर कर रहे थे ना स्मॉलर और बिगर में, अब आपने बताना है कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है, ठीक है। स्मॉलर मीन स्मॉल, छोटा, बिगर मीन बिग, बड़ा, ठीक है। सो एरोप्लेन जो है वो देखिए, ये स्मॉलर है, ये बिगर है। अब आप इसमें बैलून्स देख लें, ये बैलून बड़ा है या ये बैलून बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला ना, तो इट्स मीन इट्स अ बिगर, तो इसमें आप क्या लिख लेंगे, बिगर, और इसमें स्मॉलर। नेक्स्ट देखिए, रैबिट बड़ा है या एलिफेंट, क्या बड़ा होता है, एलिफेंट बड़ा होता है ना, तो एलिफेंट पे हम क्या लिख लेंगे, बिगर,
एंड रैबिट में क्या लिख लेंगे, स्मॉलर। ठीक है, नेक्स्ट आप शिप देख लीजिए, ये क्या है, बिगर एंड इट्स आ स्मॉलर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर लॉन्ग एंड शॉर्ट। पहले हम कौन सा कॉन्सेप्ट ले रहे थे, बिगर एंड स्मॉलर का, अब क्या आ गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, इन ईच पेयर कलर द शॉर्टर वन ब्लू एंड द लॉन्गर वन रेड, राइट लॉन्गर एंड शॉर्टर वन हैज़ डन फॉर यू। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपके पास लॉन्गर होगा उसमें आपने रेड कलर करना है, एंड जो शॉर्टर होगा उसमें आपने ब्लू कलर करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट टाई गिवन है, तो ये देखें, ये शॉर्टर है ना, इसमें कौन सा कलर है, ब्लू, और ये लॉन्गर है तो इसमें कौन सा कलर है, रेड। ठीक है, अब देखिए बैट्स में से कौन सा बैट लॉन्गर है, लॉन्गर मीन लंबा, शॉर्टर मीन छोटा, तो इसमें से लॉन्गर कौन सा है, ये वाला, ये है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, लॉन्गर राइट भी करेंगे एंड रेड कलर भी करेंगे, शॉर्टर एंड ब्लू कलर, लॉन्गर एंड रेड कलर, शॉर्टर ब्लू कलर। ठीक है, सेम इसी मेथड से ये तीन भी होंगे, पेंसिल भी, स्नेक भी, और ये नीडल भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, होपफुल स्टूडेंट्स आप लोग को समझ आया होगा, आप लोगों ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इसको अपनी बुक में नीट एंड क्लीन कॉपी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।